अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शायमा अपने चैनल कुकिंग विद शायमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ फालसे का शरबत। आजकल बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है तो फालसे हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, और अगर आपको सर दर्द का बहुत मसला है ना, तो आप इन्हें इसको आप अपनी डेली लाइफ में जब तक गर्मियों में आ रहे हैं ना, तो बहुत इसको इंक्लूड करिए। देखिए, आपको सर दर्द भी बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा ये, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। और बहुत ही आसान तरीके से बनता है, ना ही हमें इसे मिक्सर जूसर कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। चलिए इसको बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी जितना फालसा लिया था, उसके बाद इसे फालसे को अच्छी तरह धोकर हमें साफ़ कर लिया। फालसों को हमने एक बाउल में डाल लिया, उसमें एक कटोरी जितना मैंने फालसा लिया था, उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शुगर ले सकते हैं। यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच शुगर के डाले थे और यहाँ पर आधा चम्मच जितना नमक डाला था। नमक डालने से और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे शुगर के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी के साथ ये मैश हो जाते हैं। हमें स्पून लेना और स्पून से मैश कर देना। अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने स्पून से इसे जितना हो सके उतना हमने इसे मैश कर लेना है। ये काफ़ी अच्छी तरह से इसका मोस्टली जूस जो है अभी ही निकल आएगा। बस हमने इसे अच्छी तरह से मैश करते जाना है। जितना होगा इसकी गिठलियाँ छोटी छोटी सी इसके अंदर से जो गिठलियाँ होती हैं ना, वो अलग हो जाएंगी। हमने इस तरह से इसे मैश कर लिया। अब हमने पानी ऐड करना है। इसमें मैंने ठंडा ठंडा पानी डाला है और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें स्ट्रेन कर लेना है। इस तरह से हमने डालने के बाद जिस तरह से हमने फालसों का जूस जो है इसमें निकल आएगा पानी में, हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है। और इसे मैंने एक बड़ी सी छन्नी ली है, उसमें डालकर हम सारा पल्प इसका निकाल लेंगे। और जितना भी हमारा है इस तरह से हमने निकाल लिया और जितना हमारा वेस्ट बचेगा ना, आप हाथ से भी इसे आराम से कर सकते हैं। हाथ से ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा और बहुत जल्दी भी हो जाता है। इस तरह से जितना हो सका है मैंने इसे पानी डाल के और इसे स्ट्रेन कर लिया है। उसके बाद जितना ये वेस्ट बचा है ना, इसे हमें फेंक देना है। फालसे का शरबत हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने इसका जो भी फालतू जो भी निकला था उसको डिस्कार्ड कर देना है। और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर भी आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और फालसे की खुशबू भी खुद में बहुत अच्छी आती है। तो आप इसे हमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या खुशबू डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। मैं एक ग्लास में ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही टेस्टी बनता है ये शरबत। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलूंगी एक बहुत ही ईजी टेस्टी डिलीशियस रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।